Now question number 4. Side of equilateral triangle PQR is 8 cm. Then find the area of a triangle whose side is half of the side of triangle PQR. यानी ट्राइंगल पी क्यू आर है उसका सब साइड इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सब साइड इक्वल रहेगा और सब साइड कितना सेंटीमीटर का है 8 सेंटीमीटर का. लेकिन हमें एरिया किसका ढूंढना है, एरिया उस ट्राइंगल का ढूंढना है जिसका साइड हाफ ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है. मतलब अगर ट्राइंगल पी क्यू आर का साइड 8 सेंटीमीटर है तो जो ट्राइंगल हमें जिस एरिया जो ट्राइंगल का एरिया हमें ढूंढना है उसका साइड कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर. सो लेट अस नेम दिस ट्राइंगल एज ए बी सी जिसका साइड सब साइड कितना है 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. तो अगर पी क्यू आर का 8 सेंटीमीटर तो उसका आधा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर. नाउ गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर. तो ट्राइंगल पी क्यू आर का साइड कितना था, जो इक्विलैटरल ट्राइंगल था उसका साइड कितना था 8 सेंटीमीटर. इक्विलैटरल का मतलब क्या है, सब साइड इक्वल रहेगा. सो वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल और उसका एरिया ड्रॉ ढूंढना है. सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज साइड इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. तो इसका साइड हाफ रहना चाहिए, 8 सेंटीमीटर का हाफ रहना चाहिए. तो सबका साइड कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. आई रिपीट वंस मोर, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसका सब साइड 8 सेंटीमीटर है. लेकिन हमें एरिया किसका ढूंढना है, एरिया उस ट्राइंगल का ढूंढना है जिसका साइड इसका आधा होना चाहिए. 8 का आधा कितना है 4, यानी ये ट्राइंगल का सब साइड 4 रहना चाहिए. लेट अस नेम दिस ट्राइंगल एज ए बी सी. तो यानी ए बी बी सी और ए सी सब 4 सेंटीमीटर है. टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सोल्यूशन क्या है, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी साइड कितना है 4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना यू हैव स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड. वॉट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इफ इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. हाउ मच इट वॉज, √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वेयर. तो √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 इंटू साइड इज हाउ मच 4 सेंटीमीटर. सो 4 इंटू 4, 4 एंड 4 विल गेट कैंसल. सो वॉट इज द आंसर, 4√3. सो आंसर इज वॉट, 4√3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज हाउ मच, 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर. So answer is what, area of triangle whose side is half of the side of triangle PQR is how much, 4√3 square centimeter. क्वेश्चन 4 सम नंबर 1 का ये सेकेंड मेथड है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. इसके पहले मैंने कौन सा मेथड से सिखाया था, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट इज √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, वो मेथड से सिखाया था जो बहुत इजी है. दिस इज़ अ सेकेंड मेथड. इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो फॉर्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ढूंढा है. यहाँ पे बी सी जो बेस है उसका वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर दैट वी नो, मगर हाइट का वैल्यू नहीं पता है. तो पहले हाइट का वैल्यू ढूंढेगा एंड देन सब्स्टिट्यूट बोथ द वैल्यूज हाइट एंड बेस इन द फॉर्मूला एंड देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. इसके लिए पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है. तो ए डी यू हैव टू ड्रॉ ए डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी. तो एंगल इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल डी इज़ 90 डिग्री. वाई, बाई कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन से ए डी जो है वो परपेंडिकुलर था बी सी के साथ. तो एंगल ए डी बी इज़ 90 डिग्री. एंगल बी कितना है 60 डिग्री. वाई, क्योंकि सब एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री. तो एंगल बी इज 60 डिग्री. ना इन ट्राइंगल ए डी बी ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो टोटल कितना हो गया 150 डिग्री. तो बाकी कितना बचा 30 डिग्री. सो एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री. सो वॉट सॉर्ट ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस ए डी बी, ए डी बी इज़ अ 30, 60, 90 डिग्री टाइप ऑफ ट्राइंगल. तो ए डी का मेजरमेंट कितना रहेगा, ए डी किसके ऑपोजिट है 60 डिग्री के ऑपोजिट है. तो ए डी विल बी इक्वल टू वॉट, √3 अपॉन 2 इंटू ए बी. तो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए डी. देन सब्सटीट्यूट दिस इन दी फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड यूल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो यार टू फाइंड तक तो सेम है. कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ सेगमेंट ए डी,
Draw segment AD perpendicular to BC such that B dash D dash C. Solution, in triangle ABD, अभी मैंने जो explain किया वही सब इधर लिखा है. In triangle ABD, angle ADB is equal to 90 degree. Construction, angle ABD is equal to 60 degree, angle of an equilateral triangle, and angle BAD is equal to 30 degree, that is remaining angle of a triangle. Therefore, triangle ABD is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Therefore, AD is equal to what? Root 3 upon 2 into AB. Why? Side opposite to 60 degree. Therefore, AD is equal to what? Root 3 upon 2 into 4. AB ka value kitna hai? 4 centimeter hai. So, I have substituted over here 4 in place of AB. 2 ki table mein jata hai. 2 1s are 2, 2s are 4. So, what is the answer? AD jo height hai, uska value kitna hai? 2 root 3 centimeter. Now, area of triangle ABC is what? Half into base into height. That is half, base is what? BC and height is what? AD. So that I'll write over here. Base is what? BC and height is what? AD. Now put the value of base. Base and height. Base is how much? 4 centimeter. So that is equal to half into 4 into height is how much? Height we got how much? 2 root 3. So 2 root 3. Abhi A2 aur A2 cut ho jayega. So answer kya milega? 4 root 3. So area of triangle ABC is what? 4 root 3 square centimeter. If you see the previous one which I showed the same sum by the first method, usme bhi 4 root 3 square centimeter mila, isme bhi 4 root 3 square centimeter mila. Dono method pad lena, ye method neglect mat karo. If they ask in activity, you should know how to solve the sum. Now question number 4, second sum. Previous वाला में मैंने question number 4 लिखा था, मगर वो question number 4 का first sum है, that is area of equilateral triangle ABC जिसका side 4 centimeter है, वो question number 4 का first sum है. अभी second sum, areas of two similar triangles are equal, then prove that the triangles are congruent. तो उन लोग ने दिया है कि दो triangle है, दोनों भी similar है, और दोनों का area भी equal है. प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है. नाउ वी हैड स्टडीड लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का फिगर सेम रहना चाहिए. एक बड़ा एक छोटा होता है, छोटा भी हो सकता है या दोनों सेम भी हो सकता है. तो अगर सिमिलर का मतलब क्या है कि सब एंगल्स जो रहता है वो कॉन्ग्रेंट रहता है, मतलब एंगल बी विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, एंगल ए विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी, एंड एंगल सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर. लेकिन साइड्स का ऐसा नहीं है. इसका जो रेशियो है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. तो यहाँ पे ए बी और पी क्यू कॉन्ग्रेंट नहीं रहता है सिमिलर में. ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, वो एक बड़ा और एक छोटा भी हो सकता है. अगर मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिया, उसका रेशियो लिया, तो सबका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल ही आएगा. दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि ए बी विल बी कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू, नॉट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर. तो कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या, ये दोनों इक्वल रहता है, ये दोनों भी इक्वल रहता है और ये दोनों भी इक्वल रहता है. सिमिलर में क्या होता है, ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर. तो सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों कॉन्ग्रेंट रहना चाहिए. एक बड़ा ट्राइंगल भी हो सकता है और एक छोटा ट्राइंगल भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या गिवन है, नाउ वी हैव ड्रॉन द टू फिगर्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, दोनों वी हैव टू प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों का एरिया सेम है. वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. सिमिलर तो दिया है, प्रूव क्या करना है कि दोनों भी कॉन्ग्रेंट है. नाउ प्रूफ, they have already given that area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR, that is given. Now bring this below, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 1. अभी मैं PQR के जगह में ABC भी डाल सकती हूँ. तो अगर मैंने ABC डाला तो क्या आएगा, area of triangle ABC upon area of triangle ABC.
क्यों मैंने नीचे ए बी सी डाला है, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर का एरिया कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1. सो दैट इज़ वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वॉट, 1. नाउ इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, दे हैड सेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दैट वॉज ऑलरेडी गिवन. तो दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वॉट, ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर अपॉन पी आर स्क्वेयर. तो जब भी ट्राइंगल सिमिलर रहता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट पर दोनों का जो रेशियो है एरिया का दोनों ट्राइंगल का, दैट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. रीजन क्या है, थियरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैड गॉट वॉट, 1. सो 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर, that is equal to BC square upon QR square, that is equal to AC square upon PR square. Now take one at a time, AB square upon PQ square. एक एक लेने का, one at a time. So AB square upon PQ square is equal to what? 1. Now take the PQ square on the other side, what you'll get? AB square is equal to 1 into PQ square is what? PQ square. Now taking square root on both the side, what we'll get? Therefore AB is equal to PQ. अगर मैंने square root लिया दोनों का, तो AB square root of AB square क्या रहेगा? AB square root of PQ square रहेगा PQ. So taking what you'll write over here? Taking square root on both sides. So when I take the square root of AB square, I'll get AB, and when I take the square root of PQ square, I'll get PQ. So abhi AB is equal to PQ, that is segment AB is congruent to segment PQ. So similarly, if you take BC square upon QR square is equal to 1, then BC square is equal to QR square. Taking the square root, you'll get what? BC is equal to QR. उसी तरह इधर भी AC equal to PR मिलेगा. So similarly, seg BC will be congruent to seg QR. Seg BC will be congruent to seg QR, and seg AC will be congruent to seg PR. Seg AC is congruent to seg PR. Now since all the sides are congruent to each other, therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR. Reason what you'll write? By SSS test of congruence. Congruency. So by SSS test of congruency, tino side we have got congruent. Therefore by SSS test of congruency, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Question number 4, sum number 3. Two triangles are similar. Smaller triangles sides are 4 cm, 5 cm, 6 cm. Perimeter of larger triangle is 90 cm, then find the sides of larger triangle. So let us take two similar triangle ABC or PQR. तो इसको एक नाम देते हैं, smaller triangle का नाम देते हैं ABC और bigger triangle का नाम देते हैं PQR. अभी smaller triangle का सब sides का value दिया. Let us take AB equal to 4 cm, BC equal to 5 cm और AC equal to 6 cm. PQR का सब साइड्स दिया नहीं है, लेकिन पेरीमीटर दिया है. पेरीमीटर ऑफ PQR इज इक्वल टू हाउ मच? 90 सेंटीमीटर. तो ढूंढना क्या है, बड़ा ट्राइंगल का PQ कितना है, QR कितना है, PR कितना है, मतलब वी हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ लार्जर ट्राइंगल.
Now AB we have taken equal to 4 cm, BC equal to 5 cm or AC equal to 6 cm or PQ plus QR plus PR is equal to 90 cm. मतलब perimeter of the triangle they have given 90 cm. ढूंढना क्या है? PQ, QR और PR. अभी उन लोग ने दिया है कि ट्राइंगल ABC, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट इज गिवन. सो व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स? करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल टू व्हाट? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. Corresponding sides of similar triangles. Now by the theorem of equal ratio, let us take AB upon PQ be equal to BC upon QR be equal to AC upon PR be equal to a constant ratio K. So K is equal to what? Now we will add all this together. AB plus BC, A by theorem of equal ratio you have studied last year. So AB plus BC plus AC upon PQ plus QR plus PR, that is equal to how much? AB, BC or AC ka value already pata hai. AB is equal to what? 4 plus BC is equal to what? 5 plus AC is equal to how much? 6. अभी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर कितना है? 90 सेंटीमीटर. तो अपॉन 90, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15 अपॉन 90. ये 15 के टेबल में जाता है, 15 वन ज़ा 15, 6 ज़ा, सो दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन 6. तो k का वैल्यू कितना मिला? 1 अपॉन 6. लेट दिस बी 2. फर्स्ट वाला क्या है? ए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के. लेट दैट बी 1 एंड के इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. लेट दैट बी 2. सो फ्रॉम 1 एंड 2 वॉट वी विल गेट? के इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू. सो वी विल राइट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के. सो ए बी इज, वी हैव गॉट ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ ए बी. ए बी इज हाउ मच? 4 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. अभी 6 को इधर लेके और पी क्यू को उधर लेके जाओ, तो वॉट यू विल गेट? पी क्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 4. सो पी क्यू का वैल्यू कितना है? पी क्यू इज इक्वल टू 6 4 इज हाउ मच? 24 सेंटीमीटर. सिमिलरली वी विल फाइंड आउट नेक्स्ट वन, बी सी अपॉन क्यू आर. बी सी अपॉन क्यू आर, BC upon QR is equal to K. So BC is how much? 5. BC is equal to 5. So 5 upon QR is equal to 1 upon 6. Again take the 6 on this side or QR on this side. So QR into 1 is how much? QR, that's equal to 6 into 5. 6 into 5. So QR ka value kitna hai? 6 5 is how much? 30 centimeter. उसी तरह थर्ड वाला भी ढूंढना है, दैट इज ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के. ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के. ए सी का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर. तो 6 अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. अगेन टेक पी आर इंटू पी आर ऑन दिस साइड एंड 6 ऑन दिस साइड. सो पी आर इंटू 1 इज हाउ मच? पी आर, दैट्स इक्वल टू 6 इंटू 6 इज हाउ मच? 36 सेंटीमीटर. तो पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. तो आंसर में क्या लिखेगा? द साइड्स ऑफ लार्जर ट्राइंगल दिस वे. द साइड्स ऑफ लार्जर ट्राइंगल आर वॉट? 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर. Question 5, sum number 1. In the figure, PS is equal to 2, SQ is equal to 6, QR is equal to 5, PT is equal to X and TR is equal to Y. तो ये ट्राइंगल में PS का वैल्यू कितना दिया? 2 यूनिट्स. SQ का वैल्यू कितना दिया? 6 यूनिट्स. QR का वैल्यू क्या दिया? 5 यूनिट्स. PT का X और TR का Y. Then find the pair of value of X and Y such that ST is parallel to side QR. तो x और y का वैल्यू डालना ढूंढना है, और एक आंसर नहीं मिलेगा, दो तीन आंसर मिलेगा.
टू सच दैट, मतलब वो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई सच ऐसा रहना चाहिए कि एस टी और क्यू आर पैरेलल होना चाहिए, यानी पी एस अपॉन एस क्यू शुड बी इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर. नाउ सॉल्यूशन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो अगर ये ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर समझो एस टी, इफ़ लाइन एस टी इज़ पैरेलल टू साइड क्यू आर, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम पी एस अपॉन एस क्यू शुड बी इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर. तो दैट्स वॉट इज रिटन, इफ लाइन एस टी इज पैरेलल टू साइड क्यू आर देन पी एस अपॉन एस क्यू शुड बी इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर बाय बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम. पी एस कितना है? 2. एस क्यू कितना है? एस क्यू इज 6 अपॉन 6. पी टी इज हाउ मच? पी टी इज एक्स. और टी आर कितना है? वाई. Now this goes in 2 stable, 2 1s are, 2 3s are. So 1 upon 3 is equal to x upon y. Now take this y on this side. So y into 1 is what? Y is equal to 3 into x is what? 3x. Let this be 1. Now PR is what? PR is what? PR is equal to PT plus TR. So PR is equal to PT plus TR. अभी पी टी कितना है, टी आर कितना है? पी टी इज हाउ मच? पी टी इज एक्स एंड टी आर इज वाई. सो पुट दैट ओवर हियर. सो पी आर इज इक्वल टू पी टी इज हाउ मच? एक्स. और टी आर कितना है? वाई. सो पी आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. लेट दिस बी 2. नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई भी ट्राइंगल में वी हैड स्टडीड, ये पढ़ चुके हैं तुम लोग कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो अगर दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल को ऐड करोगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही रहेगा. यहाँ पे अपन पी आर वी विल कीप इट सेपरेटली और पी क्यू और क्यू आर को साथ में लेते हैं. दैट इज पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, क्योंकि पी आर का वैल्यू ढूंढना है, पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू पता है. इसके लिए पी क्यू और क्यू आर को साथ में रखते पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर. सो दैट्स वॉट आई हैव रिटन ओवर हियर. इन ट्राइंगल पी क्यू आर सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट इज पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर. नाउ पी क्यू इज वॉट? नाउ इफ यू सी पी क्यू, पी क्यू इज वॉट? पी एस प्लस एस क्यू. सो पी क्यू के जगह में मैंने लिखा है पी एस प्लस एस क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर. नाउ पी एस इज हाउ मच? पी एस इज 2, एस क्यू इज 6 एंड क्यू आर इज 5. सो पुट दोज वैल्यूज ओवर हियर. पी एस इज 2 प्लस 6 प्लस 5 इज ग्रेटर देन पी आर. वेन यू एड दिस, 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 2 इज हाउ मच? 13. 13 is greater than PR. Now PR is what? From 2, PR is what? X plus Y. So 13 is greater than X plus Y from 2. अगर 13 X plus Y से बड़ा है तो X plus Y 13 से छोटा रहेगा. Therefore X plus Y is less than 13. Now y is what? We had found out before only. Y is equal to what? 3x from 1. So put that value over here. Therefore x plus 3x is less than 13. कहाँ से मिला ये? From 1. Now x plus 3x is equal to what? 4x. 4x is less than 13. So now we have got what? 4x is less than 13. Now put different value of x. लेकिन ये ध्यान रखने का कि जो भी value x का डालेगा तो when you multiply with 4 it should be always less than 13. And according to that you find out the value of y. So when x is equal to, let us take 1. 4 into 1 is how much? 4. 4 less than 13 है, so you can take the value of x as 1. Then y is equal to what? Y is equal to 3x. So that is equal to y is equal to 3 into 1. Therefore y is equal to what? 3. So when x is equal to 1, when x is equal to 1,
Then what we got the value of y? Y equal to 3. Now put another value of x when x is equal to 2. Now when you put 2, 4 2's is how much? 8. 8 is less than 13. So you can take the value of x equal to 2. Then y is equal to what? 3 into 2. That's equal to 6. So when x is equal to 2, y is equal to 6. Now take the third one. When x is equal to 3. Abhi 3 dal ke dekho, 4 3's are 12. 12 is less than 13. So you can take x is equal to 3. Then y will be equal to what? Then y is equal to 3 into 3. Therefore y is equal to what? 9. Now if I take 4, 4 4s are, when x equal to 4 lega, the 4 4s are 16. So 16 is not less than 13, it becomes greater than 13. So you can take only 3 values, that is when x is equal to 1, x is equal to 2 and x is equal to 3. So answer what you will write down? What they had said, then find the pair of value of x and y such that ST is parallel to side QR. So the pair of value of x and y are what? The pair of value of x and y such that ST is parallel to side QR. R, what all value got? When x is equal to 1, y is equal to 3. R, 1 and 3. Next one, what you got? When x is equal to 2, y is equal to 6. So 2 and 6. And third one you got what? When x is equal to 3, y is equal to 9. So next one is what? 3 and 9. So when you put x equal to 1 and y equal to 3, you will get ST parallel to side QR. That means you will get PS upon SQ is equal to PT upon TR. Same way, when you put a value of x and y as 2 and 6, then also you will get ST is parallel to side QR, and 3 and 9, then also you will get ST is parallel to side QR. Question number 5, sum number 2. An architecture have model of building. Length of building is 1 meter, then the length of the model is 0.75 centimeter. तो यानी आर्किटेक्चर ने एक मॉडल बनाया बिल्डिंग का. अब एक्चुअल बिल्डिंग तो बहुत बड़ा रहता है, मॉडल जो रहता है वो बहुत छोटा रहता है. तो हर 1 meter का जो मेजरमेंट है, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग का हर मेजरमेंट जो 1 meter का होगा, तो मॉडल में उसने कितना लिया है? 0.75 सेंटीमीटर. So for every measurement of 1 meter in the model, he has taken what? 0.75 centimeter. Then find the length and the height of model building whose actual length is 22.5 meter and height is 10 meter. The length of the actual building ka length kitna? 22.5 meter. So model ka length dhoondna hai. Aur agar actual building ka height 10 meter hai, to model ka height kitna rahega? So this too we have to find out. Now if the length of the actual building is 1 meter, then the length of the model is how much? 0.75 centimeter. Or if the length of the actual building is 22.5 meter, then the length of the model is what? X meter. तो हर 1 meter के लिए उसने मॉडल का मेजरमेंट कितना लिया? 0.75 सेंटीमीटर. तो अगर एक्चुअल बिल्डिंग का लेंथ 22.5 मीटर है, तो मॉडल का कितना रहेगा? x मीटर. ना एक्चुअल बिल्डिंग का लेंथ कितना था? 1 meter. हर 1 meter के लिए मॉडल का मेजरमेंट कितना था? 0.75 सेंटीमीटर. और एक्चुअल बिल्डिंग का अभी लेंथ कितना है? 22.5 मीटर. Then model's measurement, model ka length ka jo measurement hai, wo dhoondna hai. Let us take that as x meter. So 1 upon 0.75 is equal to 22.5 upon x. Now cross multiply, x into 1 is what? X, and 0.75 into 22.5. Now when you multiply this 0.75 into 22.5, what you'll get? 16.8
875 meter. So x we have got what? 16.875 meter. Now height dhoondna. If the height of the building is 1 meter, then the height of the model is how much? 0.75 centimeter. And if the height of the building is 10 meter, then the height of the model is how much? Y meter. So har 1 meter ka measurement ke liye model ka kitna liya measurement? 0.75 centimeter. Aur agar actual building ka length 10 meter hai, तो मॉडल का हाइट कितना रहेगा? y मीटर. सेम वी हैव टू डू. ना एक्चुअल बिल्डिंग हाइट इज़ हाउ मच? इफ़ हाइट इज़ 1 मीटर, देन मॉडल का मेजरमेंट कितना रहेगा? 0.75 सेंटीमीटर. ना इफ़ द एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, देन व्हाट विल बी द मॉडल्स मेजरमेंट? द हाइट ऑफ द मॉडल, द लेट अस टेक दैट एज y मीटर. सेम वी हैव टू डू. 1 अपॉन 0.75 is equal to 10 upon y. Cross multiply y into 1 is what? Y. 10 into 0.75 is what? 10 into 0.75. When you multiply this y, you will get what? Y, you will get what? 7.5 meter. So write down the answer after that. The length and the height of the model. The length and the height of the model are, of the model building are, 16.875 meter, and height we got how much? 7.5 meter.